तो गाइस हाउस रिवर 2 के अंदर हम लोग आज करने वाले हैं इस 1 मिलियन डॉलर के घर को रेनोवेट, जो कि बाहर से दिखने में काफी खूबसूरत है भाई। कलर चॉइस बहुत अच्छी लग रही है। इस घर के अंदर अपने को आज काफी सारी चीजें करनी है, जैसे कि ये देखो पूरा खराब सा हो रखा है, गंदा सा हो रखा है, पूरा सामान वगैरह हटाएंगे। पहले तो ये गैराज है, एक गैराज टाइप एंट्री है, और दूसरी एंट्री यहाँ से मेरे ख्याल से एलिवेटर की, जो कि नहीं ये एलिवेटर, हाँ ओके एलिवेटर, मुझे लगा एलिवेटर बट सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। तो एक कनेक्टिंग इन्होंने रख दी है यहाँ से गैराज के साथ, और एक ऊपर जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ रहने के लिए कुछ नहीं है। और ऊपर की तरफ क्या है, और भाई बहुत बढ़िया एक ऑफिस टाइप ऑफ बना हुआ है, एक कमरा जिसमें कि बंदे का एक बेड लगा हुआ है, और इस साइड भाई गेम्स वगैरह खेलने का बना हुआ है मेरे ख्याल से, टीवी वगैरह देखने का, ठीक है। मुझे लगा था ऑफिस है, और इधर नो एंट्री लिखा हुआ है, ठीक है। और ये पर है एक बाथरूम, जो कि करना पड़ेगा अपने को साफ सफाई के साथ थोड़ा सा रेनोवेट। उसके बाद इस तरफ, ओ भाई ये क्या है, फोन आ रहा है किसी का, तो Hi, Steven here, the unfortunate owner of the house you've agreed to clean. So, इसने अपने को क्लीन करने के लिए दिया है, रेनोवेट करने के लिए। Still up for the job, right? हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ, मैं पहुँच गया हूँ। My roommate's room scare you off? Okay, ठीक है। It looks like challenge. हाँ। One I couldn't bring myself to take on. कह रहा है मेरे roommate ने पूरा कचरा कर रखा है। How can anyone even let their room become like this and to live like that for months? भाई महीनों तक कह रहा है वो ऐसे ही रुका था। I have one more request. I had a microwave which disappeared mysteriously some time ago. If you'd find it in his room, could you move it to the kitchen? I have it since I went to college. It would be a pity to lose it now. Okay, no problem. ठीक है। Thank you so much. ये इसका microwave कह रहा है ढूंढ के उसको किचन में रख देना। The new ones look weirdly complicated. That's it, I guess. Good luck with the cleaning. I think I'm gonna hang up now. Okay. Bye. काट दे भाई फोन। ठीक है। चलो ये बंदे ने अपने को काम दिया, तो कह रहा है घर को क्लीन करना, इसने अपने को ये ऑर्डर दिया हुआ है। तो भाई ठीक है, ये बाथरूम है और यहाँ पर एक रूम है, तो दो रूम है बेसिकली इस घर के अंदर। ये अब इसमें से इसका रूम कौन सा है, मुझे तो दोनों ही बहुत गंदे लग रहे हैं। वो कह रहा है कि इसके रूममेट ने हैं जो कि गंदे करे हुए हैं। तो हम लोग नीचे से शुरू करते हैं, गैराज से शुरू कर देते हैं काम। यहाँ पर ही मुझे कुछ तो काम नज़र आ रहा है, सबसे पहले गार्बेज का काम है, तो हम पूरा पहले गार्बेज उठा देते हैं। ये देखो भाई काफ़ी गंदा वगैरह हो रखा है बाहर की तरफ, और डस्टबिन भी देखो कैसे फेंका पड़ा हुआ है। और ठीक है, ट्रैश एक ही था, बाकी स्टेन जो कि दाग धब्बे हैं। उससे पहले ना मैं ज़रा इसको सही करके लगा दूँ, ये गिरा हुआ है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे पलिए, बहुत चल रही है ना वो आजकल। चलो अभी हम इसको थोड़ा ना साफ़ कर देते हैं, काफ़ी गंदा हो रखा है। ये टायरों वायरों के निशान भाई, गाड़ी तो मुझे दिख नहीं रही है, शायद वो जो ओनर है वो गाड़ी लेकर गया हुआ है। बट अभी के लिए हम लोग ना पहले इसको पूरा क्लीन कर देते हैं। तो गाइस जब तक मैं इस घर को क्लीन कर रहा हूँ, तब तक आप लोग फटाफट से ना लाइक वाला बटन दबा दो यार, एक प्यारा सा लाइक कर दो। हम लोग इस वीडियो पे टारगेट कर रहे हैं 200 लाइक्स के लिए, सिर्फ 200 लाइक्स चाहिए। तो सारे बंदे याद से लाइक वाला बटन दबा दो, और बाकी नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब तो कर ही लोगे तुम लोग। भाई इधर तो ऐसा लग रहा है किसी ने हग रखा है। वैसे ये चीज़ काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रही है ना गाइस, देखने में मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी स्किल अपनी अपग्रेड हो जाए ना, तो थोड़ा जल्दी होगा ये काम, अभी थोड़ा स्लो हो रहा है। भाई ऐसी जगह को जब साफ कर रहा है ना कोई ऑब्जेक्ट को, तो ये अपने आप ब्रश में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं तो अदरवाइज ये कपड़ा रहता है ना। सही है। चलो पहले मैं बाहर का देख लेता हूँ, बाहर का ऑल क्लीन हो गया मेरे ख्याल से। यस यहाँ का क्लीन है। अभी यहाँ पर देखते हैं, कुछ चीज़ें बेचनी हैं, ट्रैश है और ये दो ट्रैश, और बाकी धाग धब्बे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम काम करते हैं, जो बेचना है ना वो बेच देते हैं। ये टायर, ये दो टायर हमने बेच दिया। ओ पियानो पड़ा हुआ है भाई, काफ़ी सामान पड़ा हुआ है यहाँ पर। गार्बेज भी उठा लेते हैं साथ में, ये सब गार्बेज का सामान है। ये एक एक करके आएगा क्या भाई? ठीक है गार्बेज। ओके नया पर्क मिल चुका है, पर्क भी हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले मैं ज़रा देख लूँ ट्रैश क्या बचा हुआ है। दो ट्रैश बचे हुए हैं अभी भी, ट्रैश। ओके ये रहे, ठीक है ट्रैश खत्म हो गया, दाग धब्बे बचे हुए हैं थोड़े से। तो अभी काम करते हैं, पहले तो ये सामान बेच देते हैं जो बेचना है। टायर बचे हुए हैं दो, ये दोनों टायर बेच देते हैं, और बाकी ये दाग धब्बे जो यहाँ पर बचे हुए हैं ये हो गया डन। चलो भाई यहाँ का काम पूरा कंप्लीट है। अभी ना बस मैं ये जो किताब विताब इधर उधर फेंकी पड़ी है इसको सेट करके रख देता हूँ, क्योंकि ऐसे पड़ी हुई अच्छी नहीं लग रही। मैं तो पूरा काम जो है प्रॉपर तरीके से करते हैं हम लोग, बाकी ठीक लग रहा है। और ये क्या भाई, इसको इसमें फेंको, इसको भी इसमें फेंको, इसको बंद कर देते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा पड़ा हुआ है, इसको सेट करके लगा दूँ क्या? और ये गार्बेज जो है अंदर ही मेरे ख्याल से रखा हुआ है इसने जानबूझ के,
मैं काम करता हूँ, फिर तो ये डंबल उठा के ना इसको, डंबल को इसके अंदर रखते हैं, ये प्रॉपर सेट करके बाद में इसको पूरे टेबल को हम लोग सेट करके लगा देंगे। ये आ जाएगा यहाँ पर, और टेबल नहीं, ये एक स्टूल है, स्टूल नहीं यार क्या बोलते हैं इसको, शेल्फ है। प्रॉपर काम सेट है यहाँ का, हमने बहुत जल्दी में काम कर दिया। इधर मैं ज़रा चेक कर लूँ क्या है, कुछ काम नहीं है ना इस तरफ तो, नहीं है कोई काम। ओ यहाँ पर एक और कमरा है भाई, ये छोटा सा कमरा एक और है, ये तो मैंने देखा नहीं। ओ ये वॉशिंग का एरिया बना हुआ है नीचे, ओ नाइस नाइस नाइस। यहाँ पर कोई काम नहीं है, ओके यहाँ पर कोई काम नहीं है, अच्छा सा बना हुआ है, क्यूट सा एक कमरा है, ठीक है। और ये कमरा है जो, ओ ओके एक साइड, एक मिनट, एक और है छोटा सा भाई कमरा, यहाँ पर भी कुछ काम नहीं है, हल्का सा एक वॉशिंग का बस बनाया हुआ है, और भाई पाइप वगैरह लगी हुई हैं पानी वानी का सेट करने के लिए, ठीक है अच्छा है। स्केटबोर्ड वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी जगह को ऐसे वेस्ट नहीं किया, अच्छे से मैनेज करके बनाया हुआ है घर तो भाई, ये तो मान गए हम लोग। चलो ऊपर चलते हैं, यहाँ पर सीढ़ियों में कुछ काम है, ओके कुछ चीज़ें बेचनी हैं, और ट्रैश है और दाग धब्बे लगे हुए हैं यहाँ पर, जो कि मेरे ख्याल से तो ऊपर ही है, यहाँ पर सीढ़ियों में तो नहीं दिख रहा, ये लॉबी का ही एरिया बता रहा है मेरे ख्याल से। हाँ ये रहा देखो, तो सबसे पहले अपने को इसको बेचना है, एक एक और दो चीज़ें और क्या है, ओके चप्पल कहाँ पड़ी हुई है, ये चप्पल, ये रही और ये रही, ठीक है। अब हम सबसे पहले ना ये उठाते हैं कचरा वगैरह, कितना कचरा है टोटल, कचरा हो गया बस इतना ही कचरा था, ठीक है। अब सिर्फ दाग धब्बे हैं इस जगह पे, तो ना मैं पूरा क्लीन कर देता हूँ, पूरा फटफट चमका देता हूँ। एक तो ये देखो पूरा मैट गंदा हो रखा है, मैंने सारे कमरे बंद कर देता हूँ, तो हम वन बाय वन करेंगे। तो पहले यहाँ के पूरे दाग धब्बे मैं कर देता हूँ। अब जैसे ये दरवाज़ा अंदर की तरफ गया हुआ था भाई, ये ऐसे कौन गंदा करता है यार खतरनाक ही गंदा कर रखा था, मुझे लगा था ये जो दरवाज़ा है वो उस रूम में काउंट होएगा, बट नहीं, इसको इन लोगों ने इसमें ही काउंट किया है। ये भी दरवाज़ा बंद कर देते हैं, और गंदा कहाँ पर है, हो गया मेरे ख्याल से, हाँ इतने ही दाग धब्बे थे। यहाँ का काम कंप्लीट है, अभी ना मैं पहले यहाँ पर चीज़ें सेट करके लगा देता हूँ, ये जैसे कि है प्रॉपर सेट करके इसको यहाँ पर लगा देते हैं, बाकी का तो पूरा सेट है, ये जगह तो पूरी सेट है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। इसकी लाइट कहाँ पर है, ओह नाइस, काफ़ी अच्छी लगा रखी है लाइटिंग तो यार, बाकी कलर वगैरह भी काफ़ी सही कर रखे हैं। पहले हम लोग ये वाले बेडरूम को सेट करते हैं, वैसे इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं लग रहा मुझे, ये रूम तो बिल्कुल, ओ गॉट इट गॉट इट गॉट इट। उसने बोला कि उसके दोस्त ने कमरा जो है गंदा कर रखा है, तो ये उस बंदे का खुद का कमरा है, और उसने अपने डंबल भी इधर बेड के नीचे छुपा रखे हैं, है ना। तो अपन इसके कमरे को टच नहीं करते, इसने बोला कि भाई ये थोड़ा सा सेट करने वाला है, वैसे इसको यहाँ रख देते हैं, और जो बुक है बुक को भी हम लोग सेट करके ना, टेबल है ना टेबल पर रख देते हैं, अरे ये आ नहीं रही इसके ऊपर, ठीक है तो इधर रख देते हैं इसको, ठीक है बाकी तो ठीक है। इसका कमरा तो पूरा सही है भाई, ओके मैंने पहले ना ध्यान नहीं दिया, अपने को ना ये वाला कमरा मेनली उसने बोला है करने के लिए क्लीन, हो वाकई में मैस है, मुझे लगा पहले ध्यान नहीं दिया। ओके ये भाई 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 क्या कर रखा है हाल उसने इसके वॉशरूम का, वॉशरूम में ना एक्चुअली ये अच्छा नहीं लगा मुझे इतना, जो ये लग रखा है टाइलें वगैरह ना उतनी बढ़िया नहीं लग रही, तो करनी पड़ेगी अपने को ये सेट। फ्लश होता है क्या इसमें, नहीं होता ना, इसको खोल सकते हैं, हाँ खुल तो रहा है भाई। इसकी लाइट कहाँ है, मैं लाइट ढूंढ रहा हूँ इतने टाइम से, इसमें इसने लाइट वगैरह नहीं लगा रखी। विंडो खोल लेते हैं भाई, देखो क्या ही हाल कर रखा है भाई, जानवरों की तरह रहता है भाई। उसको ना मैं जाके जब वो मुझे पैसे देने आएगा या बात होगी ना, तो उसको मैं बोलूँगा भाई तो अपना रूममेट ना चेंज ही कर ले, वो बंदा नहीं है रहने लायक, वो तो जानवर है साला। ठीक है तो हम पहले देखते हैं यहाँ पर क्या क्या काम है। ये कुछ चीज़ें हैं जो बेचनी है, स्लीपर, टूथपेस्ट, ये ग्लास और एक ये बक्सा, पांच चीज़ें बेचनी हैं, तो पहले इनको बेचते हैं। ये चप्पल हो गई और बाकी चीज़ों पे अपने आप क्रॉस आ जाता है वैसे, जो नहीं बेचने लायक होती। मैं काम ये बेचना था, यस ये पूरा बेच दिया, और एक ग्लास कहीं पड़ा हुआ ये रहा। चलो ये तीन चीज़ें बेचनी, एक ब्रश टूथब्रश, ये टूथब्रश। अबे टूथब्रश कौन बेचता है यार, टूथब्रश तो भाई उसमें गार्बेज में डालना चाहिए, हद है भाई। चलो ये सब सामान डालते हैं इसमें, और अपने जो पर्क अनलॉक हो रहे हैं अपने को वो भी करने हैं यार सब। ये भाई फोटो कचरा, सब कचरा है देखो इसमें तो। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश है यार, सही है मेरे ख्याल से, हो गया ट्रैश, चार ट्रैश और बचे हैं, अच्छा इधर पड़े हुए हैं, ये गया ये गया ये गया। चलो ट्रैश ख़त्म हो गया, दो काम खत्म हो गए, अभी सिर्फ दाग धब्बे बचे हैं, तो क्लीनिंग का काम कर देते हैं फटाफट, मज़ा आएगा करने में। ये क्या कर रखा है भाई, ये क्या गिराया क्या इसने, मेरे को समझ नहीं आ रहा। पेंट, यहाँ पर पेंट कौन लाता है, पर लाइट तो लग रही है, ऑन क्यों नहीं हो रही यार, कहाँ पर इसकी स्विच वगैरह कहाँ छुपा के लगाई हुई है, बाहर होगी मेरे ख्याल से, एक मिनट
ये रही ना, हाँ बाहर है। अरे ठीक है, दाग इधर दे भाई। ये क्या ग्रीन पेंट, कोई बच्चा है क्या छोटा? ये हो गया चार दाग धब्बे। और किधर है भाई? छोटा सा एक मैप भी दे देना चाहिए था इनको यार। ये क्या छोटे छोटे से दाग धब्बे जो बचे हुए हैं। ये तो पूरा क्लीन हो गया भाई, किधर है? शीशा भी साफ है, विंडो है क्या क्लीन करने भाई? ओ इधर अंदर की तरफ पानी गिरा हुआ था। ओके, तो यही तो इस गेम में है यार, चीज़ें छोटी छोटी ढूंढनी पड़ती हैं जो कि मिलती नहीं है जल्दी से। ये बंद होता है गेट। ओ नाइस, सही है भाई, काफ़ी डिटेल है यार गेम में। ये टावल रेडिएटर मुझे समझ नहीं आया, ये मेरे को लग रहा है ना कुछ हीट वगैरह का होता होगा जो टावल को सुखा देता है ना। अपने इंडिया में तो भाई ये यूज़ नहीं होता, और मैं यहाँ पर स्पेन में हूँ तो मैंने यहाँ पर भी देखा नहीं है ये चीज़। चलो ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अभी अपने को किचन का करना है, किचन का बाद में करते हैं, पहले भाई इस भाई साहब के कमरे को कर लेते हैं। यार क्या ही हालत ख़राब हो रखी है इस कमरे की। सबसे पहले तो ना मैं ट्रैश और जो बेचने लायक चीज़ें हैं इन सबको बेचता हूँ। देखो क्या भाई क्या है ये, पूरा कंप्यूटर वगैरह मेरे को लग रहा है उसने उसको ना भेज ही दिया है ऑलमोस्ट, उसका सामान पूरा इसीलिए बेच रहा है ये। ये देखो ये चेयर, अब ऐसे एक एक चीज़ में पीसी वगैरह पूरा बेच दिया इसका। यहाँ पर कुछ आया था बेचने को, कारपेट ठीक है, ये कारपेट ठीक है, ये कारपेट भी गए। और क्या इधर कुछ बेचने लायक, टीवी वगैरह ओके नहीं। इधर से ये बुक्स वगैरह बेचनी है, ये डब्बे वब्बे सब उड़ा देते हैं, सारे डब्बे बेचने हैं ठीक है। वही मैं देख रहा हूँ बेचने वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। ये पेंटिंग वेंटिंग ओके, उसको बेसिकली उसका कोई भी सामान रखना नहीं है, तो जिस जिस सामान से पैसा आ रहा है वो सब बिकवा रहा है अपने से। उसके बाद तो मेरे को लग रहा है बाकी की चीज़ें वो सारी ट्रैश में बेच देगा। ठीक है ये उड़ा देते हैं पूरा का पूरा, इधर से ये उड़ा देते हैं। गायब 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 डन। चलो ये भी गया। चलो अभी हम लोग अपना काम वैसे चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, बट नहीं पहले जो पूरा काम है ना उसको ख़त्म कर देते हैं। तीन चीज़ें और बची हैं, माउस ये वाला और एक प्लेट है ओके। एक तो ये पेंटिंग हो गई। माउस कहाँ पर है ससुरा? तो माउस कहाँ छुपा रखा है इसने भाई? माउस और प्लेट, ये रहा माउस प्लेट, ये रही भाई। कैसे पिज़्ज़ा को कोई ऐसे कैसे छोड़ के जाता है यार। चलो भाई ये काम ख़त्म हो गया, अब विंडोज़ क्लीन करनी है वो बाद में करेंगे, पहले ट्रैश उठाते हैं पूरा का पूरा। बहुत सारा ट्रैश पड़ा हुआ है। ये क्या क्या ये, हेलो भाई हद ही हो गई यार। ठीक है इसको ना मैं एक बार के लिए यहाँ रख देता हूँ, इसको बाद में जाते हुए उठाऊँगा मैं, अभी के लिए पूरा पूरा कचरा भर देते हैं। काफ़ी सारा ट्रैश है और काफ़ी बाद में अपने को सफाई भी करनी है, दाग धब्बे भी बहुत सारे हैं। चलो मेरे को पता है भाई, मेरे को लग रहा है और अभी ना दो तो और भर जाएंगे जिस हिसाब से कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पर। और कैसा लड़का भाई, पिंक कलर की चेयर यूज़ कर रहा है जो, शायद से चेयर साइड करनी पड़ेगी क्योंकि उस तरफ कचरा बचा हुआ है। हाँ मेरे को लग ही रहा था, तीन तो हो गए। अरे बाप रे इतनी दूर गिरा जाके, बस और मुझे यूज़ नहीं करना है, इसमें ही हो जाए कंप्लीट तो सही है। वह बेड के ऊपर ये क्या है भाई, और ये क्या, अच्छा ऐसी जो ये है। कितना, छः ट्रैश और बचा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है ट्रैश? तीन तो ये पड़ा था, पीछे है क्या कुछ? नहीं तो हो गया। चलो ख़त्म, ट्रैश ख़त्म। अब विंडोज़ बची हैं तो इसको ना ज़रा बाहर रख देता हूँ, इसको रखूँ कैसे यहाँ पर, ठीक है इसको भी जाते हुए ले जाएंगे। अब पहले ना मैं दाग धब्बे साफ़ कर देता हूँ, पूरा गंदा हो रखा है ना, तो सबसे पहले तो ये सब क्लीन कर देते हैं। चेयर वेयर हो गई, टेबल हो गया, फिर ये नीचे से भी बहुत गंदा है भाई। ओके दाग धब्बे हैं, 20 दाग और है। काफ़ी सेटिस्फाइंग है यार ये वाला काम, पता नहीं मुझे ये करने में बहुत मज़ा आ रहा है। तुम लोग बताना ये इसे देखने में मज़ा आ रहा है या नहीं, या फिर मैं इसको पूरा फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया करूं या कट कर दिया करूं, कैसे पूरा ऐसे रखा करूं गेम प्ले पूरा कंप्लीट, या फिर हटा दिया करूं जो ऐसे वाले पार्ट्स हैं बोरिंग वाले। ओके
तीन दाग और बचे हुए हैं कहीं पर, तो कहाँ पर है? ओके, एक दाग कहीं पर और है, ये रहा नीचे। चलो लेट्स गो, अब ये बंद कर देते हैं, इधर का पूरा हो गया, अब विंडोज क्लीन करनी है। चलो ओके नाइस। हाउस कीपर वन में ना ये थोड़ा सा मुश्किल था करना, इसमें कैसा है मस्त हो रहा है ये। अरे अपने पास एक पर्क अनलॉक हुआ था यार, वो मेरे को करना था। चलो ये हो गया, ठीक है, अपने आप ही वो हाइट पे आ गया, हाइट मैनेज कर ली उसने। मेरे को लगा था कुछ तो टेबल वेबल पे चढ़ के मुझे जाना पड़ेगा, बट ठीक है सही है। ये कर देते हैं डन, ये भी हो गया। इधर की दो विंडोज बची हुई हैं, चलो ये भी हो गया लास्ट। ऊपर की एक, ये विंडो विंडो तो यार सबकी घर खराब होती है, तो उधर के रूम की भी विंडो तो खराब होनी चाहिए थी, बट नहीं उधर तो कोई भी काम नहीं था। चलो भाई काम खत्म, मेरे ख्याल से पूरा काम खत्म हो गया क्या हमारा, पूरे घर का ही मेरे ख्याल से है ना, और कुछ भी नहीं करना है क्या इधर? बाकी तो सब सामान वगैरह भी सेट लगा हुआ है, कुछ ऐसा लग नहीं रहा मुझे कि मुझे उसको सेट करके लगाना चाहिए, और मैं इसको सेट कर देता हूँ, ये सेट करके लगा देते हैं। बाकी बेड वगैरह तो ये नीचे क्या पड़ा हुआ है, ओ ये रहा माइक्रोवेव। अरे हाँ किचन का भी बचा हुआ यार, उसने बोला था माइक्रोवेव ढूंढना, तो भाई इसके दोस्त ने ढूंढ के लगा दिया क्या इस तरफ। किचन में देखते हैं क्या काम बचा हुआ है, थोड़ा बहुत तो होगा यहाँ पर भी, कुछ भी नहीं है किचन में। ओके तो किचन का तो बेसिकली जो था अपने को यही ढूंढ के देना था उसको, माइक्रोवेव जो कि बेड के नीचे पड़ा हुआ था, और इसके अलावा तो किचन का कुछ काम नहीं था। और ये ग्लास कैसे पड़े हुए हैं, धोने वोने के लिए क्या? नहीं हम लोग धो नहीं सकते, साफ नहीं कर सकते, तो अभी एक काम करते हैं, ये जो कचरा, अरे बाप रे, जॉब वैसे पूरी घर की शायद से कंप्लीट हो गई है। हाँ तीन स्टार आ गए हैं, तो पूरा काम जो है ख़त्म कर दिया हमने, तो बस मुझे ये जो है इनको फेंकना है, जो दो डब्बे और दो कचरे और ऊपर पड़े हुए हैं उनको भी उठा के लाते हैं, तीन पड़े हुए एक्चुअली। ये हो गया लास्ट दो, ये भी गया, और बस अभी लास्ट बचा हुआ है, और उसके बाद देखते हैं अपने को इस घर से कितने रुपए का मुनाफा होता है, मतलब कितने की आमदनी हमारी आज की होती है इस वाले घर से। मेरे ख्याल से तुमने काफ़ी सही काम किया है ना। ओ ये क्या आ रहा है, एक मिनट यहाँ पर कुछ आ रहा था अभी तो, इस तो दूर से, हाँ ये देखो कुछ दिख रहा है भाई, कुछ है, कुछ बचा है क्या काम? पहले तो हम पर्क्स चेक करते हैं हमारे। ओके क्लीनिंग का एक पर्क है जो कि अनलॉक हो चुका है, तो ओके ये लगा के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा काम। कौन सा करना चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक है ओके, मेरे ख्याल से ये कर लेना चाहिए, क्लीन एंड स्प्रे कर लेना चाहिए, और उसके अलावा एक इसका मेरा एक कलेक्टिंग ट्रैश का, इसमें क्या होता है भाई, ओह पैसा ज़्यादा मिलता है, ठीक है पैसा तो फ़िलहाल अपने को नहीं चाहिए, अपने को फ़िलहाल तो काम जल्दी चाहिए। ओके ये एरिया ज़्यादा उठाएगा, और इसमें क्या है, बड़ा गारबेज, ज़्यादा गारबेज उठाता रहेगा, तो मेरे ख्याल से ना अपने को ज़्यादा सामान फ़िलहाल के लिए उठाए वो वाला अनलॉक कर लेते हैं। उसके अलावा पेंट वेंट का भी कुछ भी अपने पास है नहीं, तो ये दो ही स्किल थी ये हमने अनलॉक कर ली। उसके अलावा स्टोर में से हम लोग कुछ अभी बाय करने वाले हैं नहीं, तो ये घर कम्प्लीट हो चुका है हमारा, मैं इसको फिनिश करता हूँ। $3,000 मिल गए गाइज अपने को, एक्सेप्ट करते हैं, $3,000 की कमाई हो गई हमारी आज काफ़ी बढ़िया से, $10,000 हमने कमा लिए हैं यार, काफ़ी बढ़िया। अभी मैं ना सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत हम अपने घर में भी काम करें, देखो जैसे कि गंदा वगैरह हो रखा है कुछ कुछ, तो यहाँ पर मैं, अच्छा मुझे मेरे घर में कुछ भी क्लीन ऐसा दिखाएगा नहीं टास्क कि मुझे करना है, मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ चाहूँ तो नहीं करूँ, अभी ना ये सब के लिए मेरे पास है नहीं, मैं इसको क्लीन भी, और ये देखो क्लीन करने के लिए सही है ना, ये आ गया अभी अपने हाथ में, हमने एक चेंज किया थे ऐसे, मैंने इधर का क्लीन कर दिया था, ये चेयर वेयर ना सब उठा के सेट करके लगाता हूँ भाई, मेरा खुद का घर भी थोड़ा अच्छे से होना चाहिए। अपने पास वैसे पैसे हैं ना, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये बेचते हैं, ये फालतू का है, ये टेबल मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, और ये टेबल बेच के भी मैं थोड़ा सा अच्छे से टेबल लगाऊंगा, और एक कार भी होनी चाहिए मेरे पास जो कि नहीं है फ़िलहाल, और ये गार्बेज इधर पड़ा हुआ है ठीक है, बाकी इधर गार्डन में पड़े हुए हैं ये पौधे वगैरह तो सही ही लग रहे हैं मुझे को, मेरे को फ़िलहाल ये चप्पल भी भाई सेट करके लगाता हूँ, रुको
ये इसको सेट करके यहाँ पर लगा देते हैं। डोर वगैरह भी चेंज करने हैं घर के, इसको ऑन कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हाँ अब ठीक है। और ये पौधे वगैरह काफ़ी सूख गए हैं यार, इनको पानी मेरे कैसे दे सकता हूँ मैं पानी। टर्न ऑफ, अरे यार ये तो ये बंद हो गया। ये देखो ये कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, इसको उठाते हैं कचरे को। ये क्या पड़ा हुआ है, टॉर्च, ये क्या है, मोमबत्ती है ऑन, भाई क्या ये ऑन क्यों नहीं हो रही फिर, मोमबत्ती है तो इसको हटा देते हैं यार, रुको हटा दो इसको, ये क्लीन करने वाला है, दाग धब्बे हिस तो किया नहीं इसने। अच्छा आर से स्प्रे करेगा, ओ इससे कर रहा हूँ तो भाई थोड़ा जल्दी हो रहा है काम वैसे। ये देखो ये हिस किया और ये देखो कितना जल्दी हो गया, ये देखो भाई सही है सही है सही है सही है। मैं एक काम करता हूँ, नीचे का पूरा काम ना आज कंप्लीट करता हूँ, काफ़ी गंदा हो रखा है। ये देखो ये सब ना फेंको, इसको स्प्रे करते हैं भाई, जल्दबाजी में हो रहा है काम एकदम। ये सही हो गया, ये सही कर लिया अपन ने, ये देखो कितना गंदा लग रहा है, इस करते हैं। ये तो पता नहीं क्या है, इसको बेचते हैं, कितना पैसा मिलेगा इसके, दिखाता नहीं है कितने पैसे मिल रहे हैं। ओके एक एक सेंट तो मिल ही रहा है। ये इधर क्या ही भाई कर रखा है, ये ऑन होएगा, सेल आइटम तो नहीं करना, एक मिनट रुकना ज़रा, ऑन होएगा, ये भी ऑन नहीं है। गिलास है क्या ये, अरे कैसा अजीब सा गिलास है भाई, इसको इसमें रखते हैं बाद में साफ करेंगे। और ये प्लेट रखने वाला है तो इसमें रखते हैं, ये भी गंदा हो रखा है कि इसको क्लीन करते हैं एक मिनट। ये बहुत ही गंदा हो रखा है, इसको बेच देते हैं। ओके ठीक है, वैसे तो ये पूरा किचन विचन का काम अपने को करना पड़ेगा यार। सही, ये चाबी पड़ी हुई है, ये देखो इधर क्या गिरा हुआ है, इसको हटाते हैं, ये कचरे में जाएगा। जो येलो में आता है ना वो सामान जो होता है वो हम लोग बेच सकते हैं। और एक ना मुझे ये चेयर भी यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही, इसको ना मैं सेट करके इसके सामने लगा देता हूँ, ये थोड़ी सी इस टाइप में यहाँ पर ऊपर रख के क्या कर रही है, नहीं इसको ना इधर ही लगाते हैं। ऐसे तो ये टेबल ही मेरे को पसंद नहीं है, बट अभी क्या ही करें। ठीक है, और ये चेयर को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ प्रॉपर सेट करके इसके सामने ऐसे। और ये कैसी सी चेयर बना रखी है भाई, ऐसे कौन लगाता है चेयर। इस घर को हम लोग बेच देंगे गाइस, हम बढ़िया सा घर बाय करेंगे अपने लिए। इधर से लगा जाएगी ना ये चेयर, नहीं इसको भी इधर ही लगा देते हैं फिर, इसको इसके बाजू में, और इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, डन। नीचे का हमारा सेट हो गया मामला, बाकी जो आलतू फालतू की चीज़ें थी मैंने बेच दी। ऐसे ये पौधा बेकार ही लग रहा है, इसको बेचते हैं। ये ऑन होएगा भाई साहब, हाँ ठीक है। बाकी लाइट वाइट है, ये दीवार का तो बहुत ही घटिया लग रहा है भाई, येलो कलर का पता नहीं क्या है ये। मैं देखूं पहले यहाँ पर क्या क्या हम लोग सफाई के लिए कुछ है। ये देखो कितना गंदा है, ये कर दिया क्लीन। इस तरफ ये पैरों के निशान ये मेरे खुद के ही होंगे शायद से, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जल्दी हो जाओ भाई साहब, इस पिस करके जल्दी जल्दी कर देते हैं साहब। खुद का घर भी साफ रखना चाहिए भाई, ऐसा थोड़ी है कोई बंदा अपने को अभी काम देने घर पे आएगा और देखेगा कि यार इसका खुद का घर तो है नहीं अच्छे से मैनेज, अच्छे से सेट करके नहीं रखा और अपने घर चलाई ये सही करने। पिस पिस करके साफ करते हैं, थोड़ा जल्दी हो रहा है। ऊपर का तो ज़्यादा ही मेस था भाई, मैंने देखा था पिछली बार, ऊपर का तो बहुत ही ज़्यादा मेस है। ये जैसे जैसे हम लोग अनलॉक करते जाएंगे ना चीज़ें ये सही होता जाएगा। ओके तो ये अपना कमरा है, थोड़ा इसको सेट करते हैं, रुको पहले तो इसमें कुछ ट्रैश है फेंकने वाला सामान, ठीक है। बेडरूम तो वैसे बढ़िया है अपना, सही बताऊँ तो। एक मिनट, बंद नहीं हो रहा दरवाज़ा, यार कैसा गरीब हूँ भाई मैं, ये क्या चेयर है ये ये क्या है, क्या ये गन वन क्या पड़ा हुआ ये। ओके ठीक है, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा अपना कमरा यार गाइस। दीवार देखो क्या हाल हो रखे हैं दीवार के, इसको क्लीन कर भाई, इस फिस मार इस पे, हाँ इधर भी
और कितना गंदा, ऊपर छत के तो बुरे हाल हैं। इधर थोड़ी ज्यादा गंदी हो रखी है छत, थोड़ा होल्ड रहता है किस मारने के बाद। ठीक है, हाँ जो ये वाले दाग है ना ये क्लीन बहुत जल्दी हो रहे हैं अगर मैं इसके ऊपर ये मार देता हूँ। ऊपर ये इधर गंदा है बस, डन। छत पूरी क्लीन हो गई। ठीक है, नीचे की तरफ कुछ गंदा है नहीं। ठीक है, ये कमरा अपना पूरा क्लीन हो चुका है। अब बस ना मुझे ये बैग देखना पड़ेगा कहाँ रखूँ। बैग यहाँ पर बीच में आ रहा है, इसको ना मैं घुमा के लगा देता हूँ पूरा इसके साथ, ऐसे रख देते हैं। अब ये दरवाज़ा खुलेगा भी और बंद भी होगा। यहाँ पर तो काला क्यों रखा ये, शेडो पड़ रही है किसी चीज़ की। ओके, डन हो गया भाई। बाहर के तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हैं। ये शायद पेंटिंग वेंटिंग लगी हुई है ना, उनकी वजह से ऐसा गंदा सा हो रखा है ये। ठीक है, ये जल्दी क्लीन हो गया। और ये फोटोज तो बहुत ही घटिया लग रही हैं, वाहियात। हटाओ इनको। पौधे वौधे पूरे सूख चुके हैं यार, मुझे पौधे भी बेचने पड़ेंगे। ये तो पता नहीं क्या है। और इधर हमारा बाथरूम है। ठीक है, नीचे वाले उसकी आग की मेरे को ना यहाँ तक आ रही है आवाज़। अरे बाप रे, इधर तो बुरे हाल हैं। या भेज देते हैं यार पूरा। क्या ये, क्या ये घटिया सामान सब, हटाओ। इसको कुछ और करेंगे अपन, इसको मस्त बनाएंगे, कोई कमरा बनाएंगे इसका मस्त, स्टडी वाला या कुछ कुछ तो बना देंगे, या तो स्टोर रूम बना देंगे। ये देखो भाई क्या क्या ही सामान रख रखा है इधर, फालतू वालतू का है। स्टोर रूम ही है एक तरीके का, और पता नहीं कैसा सा है। ठीक है, मेरे को पहले तो यहाँ से ट्रैश हटाना पड़ेगा। कुछ ट्रैश तो नहीं है, ये क्लीन नहीं हो रहा है ये, इसका कोई सीन है। ये तो क्लीन हो रहा है। ये पेंट वेंट देखो, ये पेंट वेंट का जो पड़ा हुआ है, ये हाथ वाथ के निशान तो हो रहे हैं, बट ये चीज़ें नहीं क्लीन हो रही। क्या है, कुछ गिरा हुआ है सामान, क्लीन करते हैं। ठीक है, इधर का भी हो गया। हाँ, फिस करने के बाद फटक से हो जाता है क्लीन। चलो भाई, आधी पे पेंट करके छोड़ दिया, आधी वैसे ही छोड़ दी, पता नहीं क्या है। और ये पेंट भी देखो भाई, आधा आधी के टाइल अलग लगे हैं, आधी के टाइल अलग लगे हैं। ये दीवार पे भी आधा अलग, पता नहीं क्या है, क्या है कर रखा है ये। लाइट ऑन करने हैं, हाँ ओके, करना पड़ेगा ये भी अपने को, सही करना पड़ेगा। काफ़ी बेकार सिस्टम हो रखा है। वैसे क्लीन मैंने कर दिया। ओके, ये एक बचा हुआ है। ठीक है, ठीक है, एक बार स्कैन कर लेते हैं। ओके, कुछ तो आ रहा है, टप 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 टप, हो गया क्लीन। विंडो, विंडो करनी है क्लीन। विंडो का अपने आप आ जाता है अगर करना हो तो। नहीं आ रहा वैसे, बंद रखते हैं इसको। ठीक है, 10,000 थे, मैंने कुछ सामान बेचा ना कुछ कुछ, तो उसके वजह में उसकी जगह पे ये थोड़े से पैसे मिले हैं अपने को। ठीक है, ये भी मिरर बेकार लग रहा है, इसको बेच देते हैं। चल भाई, ये शेल्फ भी बेकार है वैसे तो। ओके, यहाँ पर अभी ये कमरा मैंने सेट कर दिया। और ये एक है, ये क्या है भाई, ठीक है वैसे, नॉट बैड, इतना बुरा नहीं लग रहा। तो मैं देखता हूँ ज़रा, कुछ तो आया था। ओके, इस तरफ गंदा है, इसको ये कर दिया पूरा क्लीन। इधर का भी क्लीन हो गया। इसमें लाइट है क्या, अजीब अजीब सी लाइट है। ओके, ये कमरा भाई क्या है, ये पूरा जोकर खाना बना रखा है कमरे को, पूरे घर को ना जोकर खाना बना रखा है। हर में अलग अलग लाइटें, पता नहीं क्या है, लाइटें नहीं मतलब जो ये वॉल्स का है ना भाई, कुछ अजीब ही लग रहा है। चलो, ये कमरा हो गया। अब ये हो नहीं रहा अपना क्लीन यहाँ से, तो इसके लिए कुछ झाड़ू वाड़ू का अनलॉक होएगा मेरे ख्याल से। कौन सा टूल होगा, ये पेंट का है, ये होएगा मेरे ख्याल से वैक्यूम वाला, इसके जस्ट नीचे है वो टूल। अभी अनलॉक होगा जब हम लोग कोई और जॉब करेंगे। ये कमरा भी कर दिया, कौन सा कमरा बचा है फिर, ये वाला। अबे अच्छा, इसका इधर। ओके, इसके अंदर एक और कमरा है जो कि हमने कर दिया, तो इसको बंद करते हैं। कमरे के अंदर कमरा बना रखा है,
ये भी हो गया, ऊपर का भी हमने ऑलमोस्ट सेट कर दिया है, और जो चीज़ें वगैरह हैं वो हम धीरे धीरे बाय करेंगे, अभी अपने को कुछ है नहीं उतना नॉलेज। ये करते हैं क्लीन यार, कुछ तो टप 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 की आवाज़ आ रही है। अच्छा ये ऊपर गंदा है, देखो इसकी वजह से आ रहा था ये, कुछ तो अजीब आवाज़ आती है जब कुछ कहीं पर कुछ बचा होता है ना क्लीन करने वाला, तो उसकी थोड़ी सी अलग आवाज़ तो देता ही है। लाइट ऑन करें, कहाँ से हुई? ओके, आवाज़ तो अभी भी आ रही है कुछ टप 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 की, नीचे से आ रही है। अबे ये देखो कैसे इसे लगा रखे हैं यार, इनको बेचो, रुको। अरे नहीं यार, वो बाउल वगैरह पड़े थे, फेंको इनको सबको। अरे नहीं, किचन का ही बेच दिया मैंने, अंडू हो जाता है क्या? बेच दिए मैंने कटोरे वटोरे, ये जगह खाली होगी यहाँ पर। चलो ठीक है, ये किचन हम लोग नए ही लगाएंगे, वैसे भी मज़ा तो नहीं आ रहा इसमें। ये क्या है? अच्छा हमारा गैराज का हो गया, इसको बंद करते हैं भाई, इसको हटा पहले, तो कुछ भी क्लिक होएगा तो बिक जाएगा सामान सीधा। ठीक है, दरवाजे वगैरह बहुत बेकार लग रहे हैं, कैसे ही बताऊँ तो। चेयर को सेट करके लगाते हैं, ठीक है, डन है। इधर का ये हमारा बाहर का लॉन का एरिया है। इस प्रॉपर्टी को अगर मैं बेचना चाहूँ तो बेच सकता हूँ क्या? पता नहीं, देखना पड़ेगा। बाकी तो ठीक है, घर हमारा बढ़िया है। मेल वेला, ये क्या? और ये क्या है? अखबार, अखबार है, पिक कर सकते हैं इसको, बंद ही रहने देते हैं फिर। अखबार तो बनना चाहिए। ये सब गार्डन वार्डन का भी हमारा आगे जाके अनलॉक होगा। गेम में काफ़ी बढ़िया मज़ा आ रहा है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आगे जाके और टूल अनलॉक होंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें अपने को मिलेंगी। फिर हम लोग उस हिसाब से अपने घर को रेनोवेट करेंगे, फिर इसको बेचेंगे, फिर नया घर परचेज करके प्रॉपर, जैसे हम लोग हाउस कीपर 1 में कर रहे थे ना, वो सब चीज़ें हम लोग हाउस कीपर 2 में करेंगे। तो मेरे को लग रहा है इसमें चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा टूल्स रहेंगे, ज़्यादा डिटेलिंग है, ग्राफिक्स अच्छे हैं, जॉब में भी अलग अलग दिख रहा है थोड़ा सा ना, मज़ा तो आ रहा है गेम में। बाकी आप लोग बताओ कैसा लग रहा है, हाउस कीपर 2 को ही कंटिन्यू करते हैं और आगे घर वगैरह बाय करेंगे, नेक्स्ट जॉब्स वगैरह करेंगे जो अभी फिलहाल के लिए अपने को आ रही हैं। जब तक हमारे सारे टूल ये वाले अनलॉक हो जाएंगे तो फिर और मज़ा आएगा यार गेम खेलने में, और चीज़ें एक्सप्लोर करने में, रेनोवेट करने में इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ज़्यादा फ्रीडम है इसके अंदर जो है। जी देखो यहाँ पर आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ें देखो पूरा प्रॉपर दे रखा है, सब चीज़ें बहुत डिटेल है सब चीज़ों की, पीसी वगैरह की। उसमें उतनी ये सब डिटेल नहीं थी ना, हॉबी वगैरह की देखो, जिम वगैरह का ये सब ये है। फिर हम लोग को प्लांट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, नॉर्मल पॉट्स हैं बहुत सारे, उसमें लिमिटेड चीज़ें थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्री देखो, ट्री लगा सकते हैं हम लोग यार, सबसे बड़ी चीज़ देखो, छोटे वाले ट्री, बड़े वाले ट्री, तो हम लोग ये सब हमारे पास उसमें नहीं था, 1 में नहीं था। फिर हम लोग ये बाहर की जो है आउटडोर की हम लोग कर सकते हैं, डेकोरेशन बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। तो आगे जाके चीज़ों में मज़ा आने वाला है जब हम लोग खुद का घर परचेज़ कर पाएंगे, प्रॉपर्टी परचेज़ कर पाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा ये टूल्स वगैरह अपने को अनलॉक करने होंगे, और फिर ये जैसे हमारा खुद का घर है यहाँ पर हम लोग परचेज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा अभी है, थोड़ा सा गेम के लेवल वगैरह अपने को खेलने पड़ेंगे। कुछ ईमेल है, कुछ ये वर्क है, उसके बाद ही अपने को ये सब मिलेगा। ये कुछ ईमेल्स भी आई हुई हैं, तो ये बाहर की तरफ जो मैं अभी खोल के दिखा रहा था इनबॉक्स, उसमें अंदर था। ठीक है, तो ये हम लोग बाकी सब चीज़ें नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर आने वाले में करेंगे। बाकी आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बता देना सारे के सारे बंदे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए आए हो। नए हो बिल्कुल मज़ा आया है देखने में, तो भाई रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बिल्कुल फ्री है, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर नीचे भी दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करो। मिलता हूँ गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस।